नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे हरिवंश राय बच्चन हिंदू कायस्थ परिवार से संबंध रखते हैं। ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। मुख्य रचनाएं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दो चट्टाने। साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा पद्म भूषण से सम्मानित है। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा दोस्तों, आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।